Hello friends, this is Anita Kharkhodi, interior designer, entrepreneur, blogger. आज हम discuss करने जा रहे हैं colors के बारे में. How to use colors in interiors. Actually, colors are very important. जैसे life में हमारी जिंदगी अधूरी हमें incomplete महसूस होती है बिना colors के. Same here in interiors also. कलर्स जो है वो लाइफ दे देते हैं इंटीरियर्स का, एकदम मेकओवर चेंज कर देते हैं इंटीरियर्स में, बहुत इम्पेक्ट आता है कलर्स का. तो कुछ टिप्स हैं कि कलर्स को हम किस तरह से यूज़ करें सो दैट कि हमारा जो इंटीरियर्स है वो एनहेंस हम उसको कर पाएँ, कुछ और इम्पेक्ट उसका अच्छा हो जाए. कलर्स जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा मूड है, उसको चेंज कर देते हैं. कलर्स अगर डिफरेंट हमारे पास कलर्स होते हैं, कुछ वार्म कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं और न्यूट्रल कलर्स भी होते हैं. तो कलर्स की यूज़ के अकॉर्डिंग मूड भी चेंज होता है, बूस्ट कर देते हैं मूड को. तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कलर्स का इंटीरियर्स पर, इवन हमारे मूड्स पर भी फ़र्क पड़ता है. तो इंटीरियर्स में यूज़ करते हुए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान देने चाहिए, उस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देर आर थ्री प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू एंड येलो. तीन कलर्स हैं जो मेन, ये तीन ही कलर्स हैं. इनके बाद फिर इन्हीं से बाकी जो भी कलर्स हैं यूज़ हैं वो इन्हीं से, इन तीन से ही इनको, इनके कॉम्बिनेशन से वो क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं तीन कलर्स से. अब इनमें मैं वन बाय वन सबके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं. रेड कलर, रेड कलर एसोसिएट करते हैं हम लोग विद पैशन, एनर्जी और एक काफ़ी वाइब्रेंट कलर है, एकदम बोल्ड कलर है. तो इसको हम ब्राइटली भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बोल्ड तो है ही ये. तो एरियाज़ हमें इंटीरियर्स में चूज़ करते हुए एरियाज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको एकदम प्रोमिनेंट कलर के तरह से ना यूज़ करें. हम इसको कुछ कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, कुछ पैटर्न में इसको हम यूज़ करें, मेन कलर हम इसको ना लें. थीम्स में हमें लेना पड़ेगा कलर स्कीम में. तो जैसे एसोसिएट हम इसको कर सकते हैं डाइनिंग एरिया के साथ में भी जा सकता है ये, रेस्टोरेंट्स के लिए भी अच्छा रहता है रेड कलर. नेक्स्ट कलर हो जाता है ब्लू कलर. ब्लू कलर इज़ वेरी सूदिंग, पीसफुल एंड काम कलर. जो भी हमारे मेडिटेटिव एरियाज़ हैं, पूजा रूम है या फिर हमारे बेडरूम्स हैं, लिविंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम ब्लू कलर को यूज़ कर सकते हैं. इनके डिफरेंट शेड्स हो जाएंगे, ह्यूज हो जाएंगे, वेरिएशन हम काफ़ी ले सकते हैं, बट मेनली ब्लू कलर एसोसिएट्स विद पीसफुलनेस. नेक्स्ट कलर इज़ येलो. येलो इज़ वेरी ब्राइट कलर. इट इज़ एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्ट एंड नॉलेज. तो इसको येलो कलर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने किड्स के लिए, किड्स रूम में, किड्स बेडरूम में, स्टडी एरियाज में भी अच्छा रहेगा ये. एक्चुअली जब पढ़ाई करते हुए स्टूडेंट्स को एक वाइब्रेंसी मिलती है, इससे एक इंस्पिरेशन मिलती है. येलो कलर काफ़ी उसमें हेल्प करता है. इसके यूज़ आप ले लीजिए, डिफरेंट शेड्स आप ले सकते हैं, पेस्टल साइड में चले जाएंगे इंटीरियर्स में. और आगे हम चलते हैं तो कुछ और भी डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, जैसे ऑरेंज है. ऑरेंज भी काफ़ी क्रिएटिव कलर इसको कहा जाता है कि क्रिएटिव एरियाज़ में इमेजिनेशन के साथ में इसको एसोसिएट करते हैं. तो ड्राइंग रूम में आप इसको ले सकते हैं, बट बोल्ड कलर है तो इसको हमें प्रोमिनेंट एरियाज़ पर हम इसको नहीं पुट ऑन करेंगे. हम इसको कुछ स्मॉल एरियाज़ में लगेंगे और इसको कॉम्बिनेशन में लेंगे. हाइलाइटर कलर है ये ऑरेंज. देन ब्राउन कलर, ब्राउन अर्थी कलर है, अर्थ का कलर होता है ब्राउन. तो ये कुछ भी हमारे अगर इंटीरियर्स में कुछ हमारे मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, उन सबको कवर अप करने का काम करता है ये ब्राउन कलर. और सभी शेड्स के साथ में ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा लेके आता है. तो ये भी एक अच्छा कलर है, इंटीरियर्स में बहुत यूज होता है, वुड कलर है ये. देन वाइट कलर,
इसको पूरा एकदम नीट एंड क्लीन लुक आता है इसका ड्राइंग रूम में ले। मॉडर्न इंटीरियर्स में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग वाइट कलर को, कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं इसको, दूसरे कलर्स के साथ में शेड्स में भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पूरा फुल एक वाइट कलर भी लेके आ सकते हैं। और नेक्स्ट कलर इज ब्लैक। ब्लैक है स्ट्रेंथ को एसोसिएट करता है, स्ट्रेंथ एंड बोल्ड कलर है ये, थोड़ा शेड्स हो जाते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ग्रेस भी इसमें आ जाएगा ग्रे कलर, फिर ब्लैक डार्क ब्लैक तो है ही, फिर इसके मोनोक्रोम में अगर लेंगे तो वो शेड्स में हम लोग जाते हैं। तो ब्लैक कलर भी बहुत यूज़ होता है, बट इसको भी हमें सेलेक्टिवली यूज़ करना होगा, क्रिएटिवली हमको इसको यूज़ करना होगा। कुछ एरियाज़ में हम इनको ले सकते हैं, जैसे काउंटर्स वगैरह, किचन काउंटर्स में भी हम लेते हैं, इवन वॉल्स में, फसाद में भी लेते हैं, बट विद लेंगे हम विद कॉम्बिनेशन। तो ये काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। देन आजकल एक काफ़ी ट्रेंड में भी कलर है, पर्पल कलर है। पर्पल काफ़ी वाइब्रेंट कलर है, इमेजिनेटिव कलर है, ये बहुत अच्छा लुक लेके आता है इंटीरियर्स में। बेडरूम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में भी हो सकता है, और ड्राइंग रूम एंड लिविंग एरियाज में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इंटीरियर में मेनली तो यही कलर्स को ध्यान देना है, और फिर इंटीरियर में हमें ध्यान रखना है कि लाइट टोन में हमें कलर्स को लेके जाना है। ये इतने कलर्स हैं, बट इनके हमें जो डार्क कलर्स हैं वो यूज़ नहीं करने, हमें इनकी लाइटर शेड्स में जाना है। अगर हमारा एरिया बड़ा है, बिगर एरियाज है, तो हमें इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्मॉलर एरियाज में ये सब चीज़ें टेक्निक्स ये बहुत यूज़ होती हैं कि हमें पेस्टल्स में जाना चाहिए, लाइटर टोन्स में जाना चाहिए, बड़े कलर्स में इतना सब हमें स्ट्रेस लेने की नहीं है। बोल्ड कलर्स बहुत ओपनली यूज़ कर सकते हैं। तो कंपेरेटिवली हमें देखना पड़ता है, हमें कलर्स को बैलेंस करना होगा। एंड वन मोर थिंग कि कलर जो है ये तो वॉल कलर्स का मैंने बताया, इसके अलावा जो कलर्स हैं हमारे अपॉलिस्ट्री के कलर्स हैं, कुशंस वगैरह एंड चेयर सोफ़ा, ये सब कलर्स हैं, इन सब का भी कॉम्बिनेशन हम लोग पूरा इम्पैक्ट इंटीरियर्स में जो आता है वो इन सब को मिला के आता है। लाइटिंग हो गई, और रिफ्लेक्शंस कलर्स का हो गया, देन इसके बाद वॉल कलर्स हो गए, और अपॉलिस्ट्री कर्टेंस एंड कुशंस एट्सेट्रा, और इसकी जो एसेसरीज हैं हमारी, कुछ हम बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उनमें भी कलर्स आते हैं। और तो ये सब जो है इन सब का मिक्सचर एक करके इंटीरियर्स का इम्पैक्ट आता है, इंटीरियर में इन सब को मिला के इम्पैक्ट आता है। और जैसे कि कुछ ग्रीनरी है, अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो सिर्फ हम सिर्फ इतना नहीं बात कर रहे हैं कि वॉल्स पे हमने ग्रीन कलर ले लिया, ग्रीन कलर को हम अगर प्लांट्स हम यूज़ कर देते हैं इंटीरियर में लेके आते हैं, कहीं पर हमने अपने बेडरूम में या फिर ड्राइंग रूम में एक प्लांटर हमने रखा है, तो वो भी हमारे एरिया में ग्रीन कलर को ऐड कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन है, इसलिए इंटीरियर इज़ कॉम्बिनेशन ऑल द थिंग्स। तो ये काफ़ी मैंने आज कलर्स के बारे में बताया कि कौन सा कलर आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें वन बाय वन हम काम करेंगे कि बेडरूम की अगर हम बात करते हैं तो बेडरूम में कौन से कलर अच्छे लगेंगे, जैसे कि ग्रीन कलर है वो बेडरूम्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, शांति है इसमें, इस कलर के साथ में एसोसिएट विद पीसफुलनेस एंड कामनेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बेडरूम में कैसा कलर होना चाहिए, लिविंग रूम में फिर डिटेल वीडियो बनाएंगे इस बारे में। आज एक जो जनरलाइज करके ये वीडियो है कि कलर्स के बारे में, कि तीन कलर्स हमारे मेन कलर्स होते हैं, देन उनसे बाकी कलर्स हम जनरेट करके भी बनते हैं, बाकी इन्हीं सब का क्रिएशन है तीन कलर्स का। तो आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी कलर्स के बारे में, आई होप सो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें देखते रहें, वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।